बड़ी अच्छी चाल चली है आपने शादी का नाटक शुरू करके, लेकिन एक महीना बहुत होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी चाल आप पर भारी पड़ जाए। इस एक महीने में कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बेटी अपनी असलियत सबके सामने कबूल कर ले, और ये भी हो सकता है कि उस एक महीने में किसी लड़के से प्यार हो जाए। क्या पता वो भी चुका हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जगन, मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जगन, मन्नू की शादी अगले महीने नहीं बल्कि आज ही होगी, गुंजन की शादी के साथ साथ, और सगाई अभी की अभी। जी आंटी जी, कुछ काम था। चल मेरे साथ बाजार जाना है। आंटी जी, पुराना माने तो एक बात बोल सकता हूँ, अभी इस वक्त बाजार जाना है, कुछ जरूरी काम है। बहुत सवाल करने लगा है, सुना नहीं मुझे? आज मन्नू की सगाई और शादी दोनों है, तैयारियां करनी है। चल दिया। मम्मी, मम्मी, मम्मी रुको, मुझे आपसे बात करनी है। बाद में बात करते हैं, बाजार जा रही हूँ सगाई की तैयारियां करने। मम्मी, मुझे उसी के बारे में बात करनी है आपसे। कहा ना बाद में बात करते हैं, जाके शादी की तैयारियां कर। क्या बात है अम्मा, मुझे देखकर अपना रास्ता बदल दिया? क्यों, हार मान ली है क्या? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मेरी बेटी की शादी की तैयारियां हो रही हैं। तेरे पास कुछ काम नहीं है क्या? भटक रही है यहाँ वहाँ, हट रास्ते से। तूने मेरी माँ को धक्का कैसे मारा? ये हरजीत जी कहाँ रह गए? खबर तो यही मिली थी कि इसी समय यहाँ आने वाले हैं, आए क्यों नहीं अब तक? माफी मांग इनसे। पता था तू आएगा, बोल। मम्मी, ये सब क्या कर रही हो आप? क्या कर रही? अपने बेटे की शादी कर रहे हो? कौन सा बेटा मम्मी? हाँ, वही याद दिलाना जरूरी। कौन सा बेटा? अपने बेटे को ये याद दिलाना जरूरी है कि वो मेरा बेटा है। पिछले 18 सालों से आपकी दी हुई पहचान के साथ जी रही हूँ, कभी उफ नहीं किया मम्मी, और ये तो एहसान किया मुझ पर। सब लोग जी रहे हो ना, उठाकर, और तू जिंदा है ना, सिर्फ उस एक झूठ की वजह से, समझी? जो कुछ भी किया ना मैंने, तुम सबके लिए किया, तेरे लिए किया, तेरी बहनों के लिए किया, अपने लिए नहीं किया। और उसके बदले में तू मेरे साथ क्या करने जा रहा था?
गुंजा दीदी, सारी तैयारियां हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। राजवीर, तू मेरी बहन को जानता नहीं है। वो जानबूझकर ऐसे बेवकूफी भरा कदम नहीं उठाएगी। वो किसी लड़की से शादी थोड़ी ना करेगी। वो कही है ना मम्मी से बात करने, देखना सब ठीक हो जाएगा। दीदी, पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने मन्नू से खुद बात की है और उसे पता चल गया है कि उसे क्या चाहिए। मम्मी, 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 छोड़ मन्नू। मम्मी नहीं, नहीं मम्मी, छोड़, इस जिंदगी का फैसला ले ले, तुझे कोई नहीं रोकेगा। मम्मी नहीं, छोड़ मुझे, छोड़, छोड़। मम्मी, मम्मी। दिन हो गया था जिस दिन मैं पैदा हुई थी। हायो रब्बा, एक ही है। मां, पहन लो इन्हें और मारो मुझे। देखा आपने, उस राजवीर ने ये क्या कर दिया। आपके होने वाले वारिस को कितनी बुरी तरह पीटा। उस दो कौड़ी के वेडिंग प्लानर की ये हिम्मत। अरे आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? देखिए बाहर बहुत सारा काम है, आंटी जी आप लोगों को ढूंढ रही हैं। चलिए प्लीज थोड़ा सा हाथ बटाइए, चलिए प्लीज, सब 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 चलिए प्लीज। आप कहीं मत जाइए, आपसे बात करनी है। चाहिए था शादी से पहले दुल्हन के रूप में नहीं देखना चाहिए था मुझे। किस्मत भी खेल खेलती है ना, आप मुझसे प्यार नहीं करते, किसी और से करते हो, और मैं आपको प्यार करने की कोशिश ही करती रहती लेकिन नहीं कर पाती, क्योंकि क्योंकि मैं भी किसी किसी और से प्यार करती हूँ। अरे फिर तो ये अच्छी बात है, फिर तो तुम्हें ये शादी हरगिज नहीं करनी चाहिए। तुम्हें जाके बात करनी चाहिए अपने माँ बाप से। नहीं बता सकती, मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं और आपकी माँ ने उन्हें बहुत सारे पैसे दिए हैं। अगर मैंने इस शादी से मना किया तो मुझे मेरे प्रेमी से नहीं मिलवाया जाएगा और कहीं जाकर बेच दिया जाएगा। तेरी मम्मी जो तेरे साथ कर रही है, तेरी आत्मा को मार कर, तेरे वजूद को मिटा कर तुझे मजबूर कर रखा है एक लड़का बने रहने पर,
सच बताओ प्रीत, मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि नेहा के माँ बाप में और तेरी मम्मी में कोई फर्क है ही नहीं। जरा सोच, अपने दिल पे हाथ रखकर मेरी आंखों से आंखें मिलाकर आज तक तू बोल भी नहीं पाई कि तू मुझसे प्यार करती है। प्रीत, मुझसे प्यार करती है तू? मेरी सच्चाई नहीं बताएगा ना? नहीं मम्मी, नहीं बोलेगा, ये मुझसे प्यार करता है। और तू भी इससे प्यार करती है ना? नहीं मम्मी, नहीं, मेरा मतलब है, हाँ हाँ मम्मी, नहीं ऐसा नहीं करना मम्मी। अब जो बोलोगे वो मैं करूंगी मम्मी, जो बोलोगे मैं नहीं मिलूंगी इससे। यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ से चला जाएगा नाराज, ये चला जाएगा मम्मी, तू चला जाए यहाँ से, यहाँ पर कभी भी बताना। मम्मी आप जो बोलोगे वो मैं करूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ वैसे कभी नहीं मिलूंगी मम्मी। मम्मी 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 प्लीज प्लीज इसे बख्श दो मम्मी। कब से पता था तुझे कि वो राज पांचवा है? बोल, तू जानती थी ना? बोल मन्नू, तू जानती थी ना? आज कुछ मत छुपाना। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, अपने सबसे बड़े दुश्मन को आज जाने दिया तेरे कहने पर। मन्नू वो पाताल में भी छुपा होगा ना, तो उसे ढूंढ कर उसका खून करूंगी मैं। जगन गाड़ी रोक। जगन तू अलग गाड़ी में निकल। अलग? अलग अलग रास्ते से जाएंगे तो उसे जल्दी पकड़ पाएंगे। पर जाइए लेकिन। जगन ठीक है, तू फिक्र ना कर। साला बाजवा का पिल्ला हमारी नाक के नीचे घूम रहा था चट्टानियों से। मेरी सच्चाई नहीं बताएगा ना? नहीं मम्मी, नहीं बोलेगा, ये मुझसे प्यार करता है। बाजवा
बाजवाओं की औलाद है ना तू? बोल, है कि नहीं? हाँ हाँ। आ गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो मौत भी आ जाएगी ना, तो बाहें खोल के गले लगा लूंगा। चल यहाँ से, जल्दी चल राज, उठ। कहाँ कहाँ तक भागेंगे प्रीत? तेरी मम्मी को पता चल चुका है कि मैं राज बाजवा हूँ। एक गोली मार चुकी है वो मुझे, और मेरा बाप भी पागलों की तरह मुझे ढूंढ रहा था। बहुत मुश्किल से बच के निकला। अब मुझे लगता है कि या तो अपने बाप की गोली से मरूंगा या तो तेरी माँ की। कुछ नहीं होगा तुझे, समझ में आ रहा है? मैं हूँ तेरे साथ, कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुझे। तो उठ राज, गाड़ी में बैठ राज, गाड़ी में बैठ। क्यों कर रही है सब? जाने दे मुझे। बकवास मत कर राज, क्या बोल रहा है तू? पहले बता, क्यों कर रही है ये सब? क्या लगता हूँ मैं तेरा? कौन हूँ मैं तेरे लिए? मैंने कहा ना, गाड़ी में बैठ। नहीं प्रीत, मैं अपने लिए तेरी जान खतरे में नहीं डाल सकता। प्रीत, नहीं डाल सकता, मुझे जान थी। राज, ये जान भी तो तेरी ही दी हुई है ना राज? अंबा पवनिया, और कहाँ है तू? अरे बुलाओ उसे। मम्मी और चाचा जी यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे दुश्मन यहाँ हमारे घर पर आ जाए। क्यों आए आप लोग यहाँ पर? और राजवीर कहाँ है? हमें नहीं पता वो कहाँ है, वो जा चुका है यहाँ से। कहाँ गया है वो? खाना हमें नहीं पता। हरजीत जी, जिससे आप बात कर रहे हो ना, वो मेरी अब पत्नी है। और यहाँ कोई जोर आजमाइश की सोचना भी मत, कलेक्टर की बहू है वो, और कानून के दम पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ओए फट्टे पाऊजा, अभी तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और तेरी धमकी की वजह से नहीं, पर किसी से हिसाब चुकाना है मुझे। क्या कर रही है तू प्रीत? वही जो तू हमेशा से चाहता था राज। शादी? क्या पागल है क्या प्रीत? ऐसे कैसे शादी कर सकते हैं हम? राज, कोई लड़की नहीं चाहती कि उसकी शादी इस तरीके से हो, लेकिन कोई लड़की ये भी नहीं चाहेगी कि जिससे वो प्यार करती हो कोई उसकी जान ले ले। ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम वायवे स्वाहा। पहले आप वधू को सिंदूर पहनाएं। शुभ मुहूर्त।
सावधान। मम्मी प्रीत, ये सब इसकी वजह से हुआ है ना। दुश्मन का पिल्ला राज बाजवा, इसे तो मैं आज खत्म कर दूंगी। नहीं मम्मी, ऐसी गलती मत करना। राज मेरा पति है। मैं नहीं मानती इस शादी को। आप मानो या ना मानो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता मम्मी। अग्नि को साक्षी मानकर हम दोनों ने शादी की है। आज से हम दोनों पति पत्नी हैं। चलाओ गोली मम्मी, मार दो हम दोनों को, लेकिन आपके दामाद के साथ साथ आपको आपकी बेटी को भी मारना होगा। मम्मी आप शायद भूल गई, आपने सिमरन दीदी को भी इसी तरह खो दिया था। राज क्या हो गया तुझे, तो ऐसे हंस क्यों रहे? बोलो क्या हुआ? मुझे मुझे डर लग रहा है राज, क्या हो गया? ऐसे पागलों की तरह क्यों हंस रहे? अपने चारों तरफ देख प्रीत, कौन कौन आया है। ओए कहाँ चला रहा है, खबरदार अगर आंख उठाकर भी देखा इन्हें तो। ओए मेरे पापा जी के पास मत आई, समझा? पीछे जा, चल हट। मेरे पापा जी से आंख मिलाएगा तू, तेरी तो। ये क्या कर रहा है? मेरी कौन है पापा जी? पापा जी मैं राज, आपका बेटा राज बाजवा। पापा जी इस लड़की ने मुझसे शादी की है, ये मेरी धर्म पत्नी है। आप लोगों में से किसी ने भी इससे पहले गांव में देखा है? नहीं ना? मैं बताता हूं ये कौन है। इस लड़के को तो आप पहचानते ही होंगे। बस शादी के सहरे को पगड़ी समझ लीजिए। अरे ये तो मनुवीर जी है।
क्यों राज, क्यों मेरा विश्वास तोड़ा, क्यों इतना बड़ा धोखा दिया अपने बचपन के दोस्त नहीं हूं मैं तेरा। तूने मेरे वीर जी पर गोली चलाई, उनकी जान ली, और जो मेरे परिवार की तरफ आंख भी उठा के देखता है वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता मन्नू और मनप्रीत पवनिया। तुझे क्या लगा था प्रीत, ये मंदिर, ये शादी, ये मंगलसूत्र, ये पंडित, ये सब इत्तेफाक है? नहीं प्रीत, एक एक पल एक एक घड़ी मैंने प्लानिंग की है इसके लिए, तुझसे बदला लेने के लिए, सब पवनियाओं से बदला लेने की। आज सारे झूठ इस आग में चल गए प्रीत, ना ही कोई इश्क था, ना ही कोई मोहब्बत, और ना ही राज और मन्नू की दोस्ती के कोई अफसाने। सच तो ये है कि मैं एक बाजवा हूं और तू कोई पवनिया, और बाजवा और पवनिया कभी दोस्त नहीं हो सकते।